यस सर, यस सर। हाँ जी, तो हम लोग आज की क्लास अब शुरू करते हैं। हम लोग शेप एंड एंगल पढ़ रहे थे, यस सर। शेप्स एंड एंगल पढ़ रहे थे, तो उसमें शेप्स के बारे में मैंने बताया था, और आप लोग को अब मैं आज कुछ शेप्स बता दूंगा, उसके बाद एंगल पढ़ाऊंगा, ठीक है? हम लोग 2-3 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले शेप मैंने बताया था आप लोग को, पहला शेप ट्रायंगल, क्या बताया था, जिसमें तीन साइड होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है? यस सर। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? यस सर। हाँ, अब सेकंड है स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। थर्ड है इसी में स्क्वायर, 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 स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर है। रेक्टेंगल स्क्वायर, हाँ, तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है? आमने सामने की साइड इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में एक और बड़ी बात होती है कि लेंथ जो होती है ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक है? ओके सर। इसमें लेंथ इज बिगर देन ब्रेथ, ठीक है? और यहां ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर फोर्थ है, ये भी दिखाई दे रहा है ना? इधर जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो अब आ गया पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड होती हैं? 5 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 5 साइड, यस 5 साइड। तो इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए 1, 2, 3 हो गया, इसके बाद 4 एंड इसको थोड़ा बड़ी कर लीजिए 5, ये हो गया 5 पेंटागॉन, ठीक। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ है हेक्सागन, क्या है? हेक्सागन, देखिए इसमें 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं हेक्सागन, ठीक। इसके बाद जो आता है हेप्टागन, उसको बोलते हैं हेप्टागन। इसमें 7 साइड होती है, कितनी? 7, कितनी साइड होती है? 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरीके से आप इसको हेप्टागन बना सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद कौन सा गन आएगा, कोई बताएगा? ऑक्टागन, 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 यस। ऑक्टागन में 8 साइड होती है, कितनी साइड होती है? 8 साइड, तो ऑक्टागन भी बना देते हैं हम। 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एंड या एट, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये हो गया ऑक्टागन। आप लोग भी कॉपी पे बनाते जाइए इसको। सर ये तो बना हुआ पहले से। सर ध्यान से नहीं दिख रहा है। ध्यान से नहीं दिख रहा मतलब जो स्पेलिंग्स लिखे हैं वो अच्छे से नहीं लिख पाएंगे हम लोग। देखिए अब दिख रहा है कुछ? नो सर। नो सर। स्पेलिंग स्पेलिंग आप पूछिए मैं बताऊंगा। देखिए अब पूरा बोर्ड आप लोग को शायद विजुअलाइज हो रहा होगा। यस सर। अब लिखने की कोशिश करिए। मैं नौनागन भी बना देता हूँ और डगन भी। नौनागन होगा। अब सेवेंथ हो गया तो यहां मैं एट बना रहा हूं। एट इसको कहते हैं नौनागन। नौनागन में नाइन साइड होती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। ये हो गया नौनागन। और एक बच गया डोडागन। डोडागन जो होता है उसको मैं यहां बना देता हूं सीधे। देखिए एक साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नहीं ये गलत बन रहा है। थोड़ा और बड़ा बनेगा तब क्या है। क्या बोल रहे हैं? सर ये ड्राइंग है तो पेन से बनाना है कि पेंसिल से? आप पेन से भी बना सकते हैं पेंसिल से भी। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अगर आपकी ऑन होगी तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ये हो गया डोडागन। अभी आप बताइए कितने लोग का बन गया?